सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। आज हमने चतुर्भुज पढ़ने, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने इसकी परिभाषा याद करनी है चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज में पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25, दी हुई भुजा ए बी पर एक वर्ग बनाओ। तो सबसे पहले तो आपको वर्ग की परिभाषा आनी चाहिए, यदि आपको आती है तो ही आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग बनाने के लिए हमें ए बी रेखा दी हुई है, ये मतलब भुजा है इसकी ए बी, तो हम एक भुजा ले लेते हैं। वर्ग की परिभाषा मैं आपको बता दूं, ये तो वर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हो, समकोण हो और चारों भुजाएं बराबर हो। तो ये आपकी एक भुजा है ए और बी। अब हमने क्या करना है, ए और बी पर हमने 90 डिग्री के कोण बना देने हैं। तो आपको 90 डिग्री कोण बनाने आते ही होंगे, तो आप देख भी सकते हैं कैसे हम बना रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने बी पे हमने चाप लगा दी है और अब हम जो चाप लगा रहे हैं ये आपकी चाप है 60 डिग्री की, वो हम यहाँ पर का रखेंगे यहाँ पे। और दूसरी जो चाप हम लगाएंगे यहाँ से, ये हम जो चाप लगा रहे हैं ये आपकी 120 डिग्री की है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 120 और 60 का हम आधा जब करते हैं तो ये आपकी बनती है 90 डिग्री की का कोण यहाँ से बनता है हमारा। और अभी हम इसमें हल्की लाइन लगाएंगे, हम डार्क लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसकी हाइट अभी नहीं पता है। और अब हमने बी पर भी हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ से। जैसे ही हमने ए पे बनाया, बी पे बनाया, वैसे हमने ए पर भी, ये आपका ए है, ए पॉइंट आपका है इस तरह से, और यहां भी हम अभी हल्की लाइन लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, जितना आपका ए और बी है इतनी हम प्रकार खोल देंगे। ये आप देख सकते हैं ए और बी जितनी हमने प्रकार खोल दी है यहां से। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे निशान लगा देना है और यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे इस तरह से। और जो हमारी लाइन छोटी पड़ गई है इसको हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा यहाँ से लाइन और लगा देते हैं और अब हम इसको डार्क भी कर देंगे इस तरह से। तो ये जो आपका पॉइंट आ रहा, ये पॉइंट आपका है डी, और जो ये रेखा आपकी आ रही है इसको भी हम डार्क कर देते हैं यहाँ से इस तरह से। और ये पॉइंट आपका रहा है सी, अब हमने सी और डी को आपस में मिला देना है और ये आपका वर्ग बन के तैयार हो गया है। ये आप देखिए अब इसके चारों कोण 90 डिग्री के, जितने ये कोण है उतने ही आपके ये कोण भी है और चारों भुजाएं आपकी बराबर है। इस तरह से ये आपका 25 नंबर प्रश्न बन के तैयार होगा। अगला आपका है प्रश्न नंबर 26, दिए हुए कर्ण ए सी पर एक वर्ग बनाओ। तो हमें एक कर्ण दिया हुआ है, तो हमने एसी पर एक वर्ग, उस कर्ण पर हमने वर्ग बनाना है। तो यहां से हम कर्ण ले लेंगे, ये आपका कर्ण है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और सी। अब हमने इस पर कैसे वर्ग बनाना है, देखिए सबसे पहले हमने एसी कर्ण का समद्विभाजन करना है, मतलब कि इसको हमने दो समान भागों में बांटना है कर्ण को। तो हम इस तरह से आधे से ज्यादा प्रकार खोल के चाप लगा देंगे इस तरह से, सी से हमने लगा दी है। अब हम ए पर पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और यहां से भी हम इसी तरह से चाप लगा देंगे, जहां पे ये चापे आपस में कट रही है इनको हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। और जहां पे ये मिल रही है चापे, यहाँ पे ए पॉइंट आर है, यहाँ पे पॉइंट पी है, तो हमने आर पी पॉइंट को आपस में मिला दिया है
अब ये आरपी रेखा जो आपकी आ रही है, ये रेखा आपकी आ रही है, ये एसी कर्ण पे जहां कट रही है, ये पॉइंट आपका है ओ। अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखनी है और एसी जितनी प्रकार खोलो, ए से ओ से ए या सी जितनी प्रकार खोल के हमने क्या करना है, यहां से डॉटेड आपने एक ब्रेथ लगाना है। तरह से ये आपका ब्रेथ बन के तैयार हो गया है। और ये रेखा थोड़ी हमारी कम रहती है नीचे को छूने के लिए यहाँ पे ब्रेथ के साथ, इसको हम थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं इस तरह से। और ये पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया है डी, और नीचे आपके पास पॉइंट आ रहा है ये बी। अब हमने क्या करना है, ए और बी को आपस में डार्क मिला देना है, आप देख सकते हैं। और बी और सी जो आपके पॉइंट है, इनको भी हम आपस में डार्क मिला देंगे। सी और डी, इनको भी आपस में डार्क मिला देंगे। और डी और ए, इनको भी हम आपस में डार्क मिला देंगे इस तरह से। और ये आपका जो प्रश्न नंबर 26 है, ये भी बन के अब तैयार हो गया है। ये आपका ए सी कर्ण पे हमने वर्क बना दिया है। ये जो आपका एंगल है, ये 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो चारों कोण इसके 90 डिग्री के है और चारों भुजाएं इसकी बराबर।